Good morning, students. I hope you all are doing well. So, students, today we will discuss some other examples of balancing and understand properly how to balance an unbalanced equation. So, students, let's start. So, students, here this is reaction between barium chloride and aluminium sulfate, and as a result barium sulfate and aluminium chloride are produced. Okay students, and now we have to balance this reaction. So students, let's start. First of all, we have to write the unbalanced equation. And your second step is list the number of atoms of the various elements present in the unbalanced equation in the form of a table like I made. So students, firstly आपने यहाँ पे सारे elements जो हैं आपके unbalanced equation के उनको mention करना है. Then number of atoms reactants में कितने हैं and नंबर ऑफ एटम्स जो है प्रोडक्ट में एक्चुअल में कितने प्रोड्यूस हुए हैं उनको लिखना है आपने. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर बेरियम हैज बीन वन एटम, क्लोरीन के यहां पे बच्चे कितने एटम है टू. सो स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम के भी यहां पे कितने एटम्स हैं टू. सल्फर के जो है यहाँ पे होल जो ब्रैकेट लगी हुई है उसके बाद क्या है बच्चे थ्री. सो ये जो थ्री है सल्फर के साथ भी है एंड ऑक्सीजन के साथ भी है. तो सल्फर के केस में कितने एटम हो गए थ्री, बट ऑक्सीजन के केस में यहाँ पे फोर पहले से है तो दैट मीन्स फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री. तो टोटल एलिमेंट्स आपके कितने यहाँ पे टोटल एटम सॉरी कितने हो गए ट्वेल्व. सो ये जो है आपके रिएक्टेंट्स के हैं. अब हम देखेंगे कि प्रोडक्ट में कितने एटम्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं. स्टूडेंट्स, बेरियम का यहाँ पे एक ही एटम प्रोड्यूस हुआ है, सल्फर के यहाँ पे बच्चे वन जो है आपका सल्फर का एटम जो है सॉरी क्लोराइड का आपके कितने हुए हैं थ्री, एल्यूमिनियम के आपके जो है वो कितने हुए हैं वन, आपका सल्फर के कितने हुए हैं बच्चे वन, एंड आपके ऑक्सीजन के कितने हुए हैं फोर. सो स्टूडेंट्स, हियर वी कैन सी दैट ओनली बेरियम हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. जो आपका बेरियम एलिमेंट है उसी के जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम नंबर ऑफ एटम्स जो है वो रिएक्ट भी हुए हैं और प्रोड्यूस भी हुए हैं. सो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट स्टेप सिलेक्ट अ कंपाउंड विच कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स. इन दिस केस द कंपाउंड विल बी एल्यूमिनियम सल्फेट. सो स्टूडेंट्स, इट हैज एल्यूमिनियम सल्फेट हैज टू एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, थ्री एटम्स ऑफ सल्फर एंड ट्वेल्व एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. जो आपका एल्यूमिनियम सल्फेट है उसमें टू जो एटम है एल्यूमिनियम के हैं, सल्फर के थ्री एटम है एंड ऑक्सीजन के ट्वेल्व एटम्स हैं. ओके स्टूडेंट्स, so from this compound select the element which has the maximum number of atoms and which is present in only one compound on both sides, that is oxygen. In this case jo oxygen hai usme maximum number of atoms hai, so we start with the oxygen. So students, to balance the number of oxygen atoms we can multiply barium atoms, barium sulfate present on the right hand side by 3. Okay students, so twelve in aluminium sulfate. Okay students, so आपके जो है RHS में जो है कितने प्रोड्यूस हुए हैं ऑक्सीजन फोर, किसमें बेरियम सल्फेट में. सो वी हैव टू बैलेंस दिस. सो स्टूडेंट,
स्टूडेंट्स इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट कोफिशिएंट 3 विल बी रिटन एज 3 × 4. सो 3 × 4 इक्वल्स टू 12. सो स्टूडेंट्स नाउ द इक्वेशन बिकम्स BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स 3BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड. सो स्टूडेंट्स इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट हियर द कोफिशिएंट 3 विल बी रिटन विद बेरियम सल्फेट. ओके स्टूडेंट्स सो दैट 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 12 एंड ऑक्सीजन एटम्स विल बी 12. ओके अगेन कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द केमिकल इक्वेशन. अगेन मेक अ टेबल. सो स्टूडेंट्स इन दिस इक्वेशन राइट डाउन एटम्स इन द LHS साइड. सो बेरियम हैज 1 एटम, क्लोरीन हैज 2 एटम, एल्यूमिनियम हैज 2 एटम, सल्फर हैज 3 एटम एंड ऑक्सीजन हैज 12 एटम्स. ओके स्टूडेंट्स एंड इन द राइट हैंड साइड बेरियम हैज 3 एटम्स, क्लोरीन हैज 3 एटम्स, एल्यूमिनियम हैज 1 एटम, सल्फर हैज 3 एटम्स एंड ऑक्सीजन हैज 12 एटम्स. सो स्टूडेंट्स एज द एटम्स ऑफ बोथ सल्फर एंड ऑक्सीजन आर बैलेंस्ड वी विल नाउ बैलेंस द एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम. ओके स्टूडेंट्स सो स्टूडेंट्स बिफोर बैलेंसिंग जो है आपके नंबर ऑफ एटम्स LHS साइड में कितने हैं 2 इन एल्यूमिनियम सल्फेट. सो वी हैव टू बैलेंस दिस 2 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम. सो स्टूडेंट प्रोडक्ट्स में हमारे पास प्रोडक्ट में जो है राइट हैंड साइड में हमें कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं एल्यूमिनियम के एटम्स ओनली 1. सो वी हैव टू बैलेंस दिस. सो हियर वी मल्टीप्लाई 2 विद 1. सो स्टूडेंट्स नाउ द इक्वेशन बिकम्स BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स 3VaSO4 प्लस एल्यूमिनियम ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड. ओके स्टूडेंट्स मेक द टेबल अगेन टू कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. हियर इज द टेबल. ओके स्टूडेंट्स सो ऑन द LHS साइड बेरियम हैज 1 एटम, क्लोराइन हैज 2 एटम, एल्यूमिनियम हैज 2 एटम, सल्फर हैज 3 एटम्स एंड ऑक्सीजन हैज 12 एटम्स. एंड ऑन द राइट हैंड साइड बेरियम हैज 3 एटम्स, क्लोरीन हैज 6 एटम्स, एल्यूमिनियम हैज 2 एटम्स, सल्फर हैज 3 एटम्स एंड द ऑक्सीजन हैज 12 एटम्स. सो स्टूडेंट्स वी कैन सी दैट द एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फर एंड ऑक्सीजन आर बैलेंस्ड. सो नाउ ओनली द एटम्स ऑफ बेरियम एंड क्लोरीन आर अनबैलेंस्ड. वी विल फर्स्ट बैलेंस द एटम्स ऑफ बेरियम. ओके स्टूडेंट्स सो नंबर ऑफ एटम्स इन LHS साइड 1 इन बेरियम क्लोराइड. ओके स्टूडेंट्स बट देयर आर 3 एटम्स इन प्रोडक्ट ऑफ बेरियम सल्फेट. रिएक्टेंट में तो 1 ही एटम रिएक्ट हो रहा है बेरियम का बट हमें प्रोडक्ट्स में 3 एटम्स मिल रहे हैं तो वो जो 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हमें बेरियम के मिल रहे हैं वी हैव टू बैलेंस दैट. ओके स्टूडेंट्स सो हियर वी मल्टीप्लाई 3 विद 1 एंड वी गेट 3 एटम्स. सो स्टूडेंट्स नाउ द इक्वेशन बिकम्स 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस 3BaSO4 प्लस ट्वाइस ऑफ AlCl3. सो द इक्वेशन बिकम दिस. ओके स्टूडेंट लेट अस अगेन प्रिपेयर अ टेबल टू कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन. ओके स्टूडेंट्स सो हियर 3 एटम्स ऑफ बेरियम, 6 एटम्स ऑफ क्लोरीन, 2 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, 3 एटम्स ऑफ सल्फर एंड 12 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. अगेन इन द राइट हैंड साइड देर आर 3 एटम्स ऑफ बेरियम, 6 एटम्स ऑफ क्लोरीन, 2 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, 3 एटम्स ऑफ सल्फर एंड 12 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. ओके स्टूडेंट्स सो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड नाउ. हेंस
द इक्वेशन इज सेड टू बी अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड एज आई टोल्ड यू बिफोर. Students, we have balanced the equation between barium chloride and aluminium sulfate by using heat and trial method. Okay, students, let us take another example and balance it. So, students, this is the reaction between hydrogen and nitrogen to form ammonia. NH3 is ammonia. Okay, students, so your first step is write the unbalanced equation, and your next step is make the table and select the compound which contains the maximum number of atoms. Okay, students, so here nitrogen has 2 atoms in LHS side and hydrogen has 2 atoms in LHS side, and in the product side, that is right hand side, nitrogen has 1 atom and hydrogen has 3 atoms. So, students, we start with the nitrogen atoms, balancing the atoms on both sides of nitrogen. In LHS, there are 2 atoms in N2, and in product, there are 1 atom in NH3, that is ammonia. So, to balance, we have to multiply this 1 with 2, and the equation becomes N2 plus H2 gives twice of NH3. Okay, students? So, next step is to balance the atoms of hydrogen. So, we have to write down the atoms in the left hand side. There are 2 atoms of hydrogen in H2 and there are 6 atoms in RHS. हमारे जो हाइड्रोजन के 2 ही एटम जो है रिएक्शन के टाइम पे रिएक्ट हुए, बट देयर आर 6 एटम्स वहां पे प्रोड्यूस. एक्चुअल में कितने हुए? 6. तो वो जो 4 एक्स्ट्रा एटम्स जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हुए, उनको हमें बैलेंस करना है, सो दैट जो है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो फॉलो हो. ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 2 विद 3, सो वी गेट 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन द reactants, product side. So, the equation becomes N2 plus 3H2 gives twice of NH3. Okay, students? So, at last, we have to check the correctness of the balanced equation. So, in the LHS, there are 2 atoms of nitrogen, and in the right-hand side, there are also 2 atoms of nitrogen. In the left hand side, there are 6 atoms of hydrogen reacting, and in the product side, there are also 6 atoms. Okay, students, so this reaction between nitrogen and hydrogen to form ammonia is balanced now by using heat and trial method. So, students, in the same manner, you have to balance the another equations, and आप सबको जो है अलग अलग जो है इक्वेशंस लेनी है और उनको जो है प्रैक्टिस करनी है बैलेंसिंग करने की. बच्चे, आपको जो है ये इक्वेशन, ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंड ये जो क्वेश्चन है इसको पूछते हैं बोर्ड क्वेश्चंस में बार बार. सो स्टूडेंट्स, आपको जो है केमिस्ट्री में आपको ये इक्वेशन को, एक इक्वेशन को बैलेंस करना जो है अच्छे से आना चाहिए. सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग बैलेंसिंग, यू कैन आस्क मी एनी टाइम. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स.